उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला आज कांग्रेस कार्यालय में, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष के द्वारा एक बैठक की गई। बैठक में जनपद के सभी ब्लॉकों के अध्यक्षों ने भाग लिया। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया कि उनके द्वारा हर रोज बैठक की जा रही है, चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। 39 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि बुधवार को जिला प्रभारी राशिद अलवी आएंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सूचना का अधिकार विभाग जो है, उसके गठन के लिए पूरे प्रदेश में और जन समस्याओं के जो मुकामी प्रॉब्लम हैं, चाहे महंगाई हो चाहे और दीगर मामला हो, उन तमाम चीज़ों पर संघर्ष का रास्ता तैयार करने के लिए और कांग्रेस को मजबूत करने के इरादे से हम लोग मुरादाबाद में जो है प्रदेश नेतृत्व ने हमें भेजा है। जी, क्या माना जाए कि अब इसका दुरुपयोग होने लगा है, क्योंकि कुछ लोग अब इसका अपने मकसद नहीं जो है, अब ये तो बाकायदा सरकार की तरफ से कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के जो है हम लोग जो है जो सूचना के अधिकार का पूरी तरीके से जनता को फ़ायदा नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, उसके लिए ही हम संगठन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संगठन तैयार करने की योजना बनाई है। प्रदेश कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उसमें जो है सूचना के अधिकार विभाग पे अलग कॉर्नर पे काम करने के लिए, इस अधिकार विभाग इस अधिकार सूचना के अधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस को संगठित होकर संघर्ष करने की जरूरत पड़ी तो करेंगे। इसीलिए तो जो है हमने बताया कि उसके लिए हम तंजीम बाकायदा बना रहे हैं, उसका जवाब नहीं आ रहा है अधिकारियों की तरफ से, बहुत लंबे लंबा टाइम तक हो जाता है। उसी के लिए हम संगठन बना रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसी के लिए संगठन बनाने का काम कर रही है। हाँ, ज़बरदस्त वहाँ पर उनका विरोध हुआ है और जो है जिस तरीके से विरोधात्मक प्रदर्शन हुए हैं और हिंसा की तो हम लोग कांग्रेस कमेटी कभी इजाज़त नहीं देती, लेकिन जो प्रदर्शन हुए हैं वो उनके जो है जो गलत नीतियां हैं, उनके जो बाटो और राज करो की नीति जो चल रही है, डिवाइड एंड रूल की, जिस तरीके से वो जो है फ़िरका परस्ती को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, उस लिहाज से वहां पर प्रदर्शन हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे जो है अगर उसमें कहीं पर जो है तोड़ फोड़ का काम हुआ है तो गलत है। बंगाल चुनाव में फिरकापरस्त ताकतें हारेंगी और वाम दल और कांग्रेस का गठबंधन जो है आगे बढ़ेगा। माइनॉरिटी को जो है नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, माइनॉरिटी का जो है बिल्कुल जो है कुचलने का काम कर रही है। और माइनॉरिटी क्या, यहाँ के तमाम गरीब लोगों का, मजदूर लोगों का जो है यहाँ पर दमन किया जा रहा है। और खाली माइनॉरिटी नहीं, तमाम जितने भी दबे कुचले लोग हैं उनके उत्थान के लिए कोई काम नहीं हो रहा। देश की दिशा और राजनीति कि जनता ऐसे लोगों को चुनना चाहती है जो हिंदू मुस्लिम और के बीच में खाई पैदा करना चाहती है, या जनता ऐसे लोगों को चुनना चाहती है जो देश का विकास, जिस प्रकार से ढूंढई बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये पूरे देश की जनता देख रही है। पूरे हिंदुस्तान का गुंडा तत्व भारतीय जनता पार्टी का स्टम बंगाल में बैठा हुआ है। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा है कि गुंडा तत्व है लगा हुआ है, लेकिन जनता ना तो मतलब गुंडों से डरेगी, लंबी लाइन जितनी मर्जी लग जाए ये देश के लिए अच्छा है, लेकिन फर्जी वोट ना पड़े। और अंदर जिसने वोट डालना है उसने उसको उसी पार्टी को वोट डालना जिसने मन में सोच लिया। ये
ये आपका ट्रायल है, ये ट्रायल है, इनको और एक दो महीने के अंदर जहाँ जहाँ पर मुख्यमंत्री हैं ये बदले जाएंगे। पंचायत चुनाव 39 वार्ड हैं, मैं समझता हूँ 35 साल में पहली बार कांग्रेस 39 वार्डों में चुनाव जीतेगी और बहुत अच्छी सीटें लाएगी। क्या तैयारी की गई चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए रोज हमारे 8 ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉकों के अध्यक्ष के साथ, कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता कि जो मैं किसी ना किसी ब्लॉक में ना जाता हूँ। आज मैंने सारे जितने आठ ब्लॉक के अध्यक्ष सबको बुलाया है, सबसे जिन वार्डों में जितने रिज्यूम आए हैं उन सबसे लूँगा, फिर आपको बताऊँगा कि आज हमारे पास इतने आपके 39 वार्डों में रिज्यूम आ रहे हैं। उसके लिए हमारे जिले के प्रभारी पूर्व सांसद राशिद अली साहब को बनाया गया है, जो कि बुधवार को मुरादाबाद पहुँचेंगे और जिले के सारे वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और उनकी जिम्मेवारी लगाएंगे। और एक ये तय किया गया है कि हम कांग्रेस पार्टी पे जितने प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं उन जिला महानगरों को एक एक वार्ड की एक एक जिला पंचायत की जिम्मेवारी दी जाएगी कि आपने इसी को चुनना है, इसके अलावा आपने कहीं नहीं जाना। आपका दायित्व है कि आप इस वार्ड के ही पंचायत को देखेंगे और यहीं के उसको जिताएंगे। और जो ये धांधली करना चाह रही है जिला पंचायत में फर्जी वोटों की, कोशिश हमारी है कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, फर्जी वोट नहीं पड़ेगा।